India's T20I team for the two matches against Australia, well, that's been announced. Hashtag Aakashwani aur is team ne hame kya samjhaya hai, kya bataya hai, kuch badi cheeze hai. Ek to ki KL Rahul, jo one day team mein bhi pick hue hain, wo T20 team mein bhi pick hue hain aur believe it or not, India ke paas 4 wicket keeping options hai. Ab Dinesh Karthik bhi is team mein, jo one day team ka hissa nahi hai, lekin T20 team mein unko rakha hai Rishabh Pant. पंत को वनडे में भी रखा है, T20 में भी रखा है, KL राहुल को भी दोनों टीम्स में रखा गया. और KL राहुल ऑफ कोर्स ही इज नाउ बैक, विच इज ग्रेट न्यूज. तो उनको तैयार कर रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप के लिए जितने ऑडिशन दे सकते हैं वो दे दें, तो खेलने का मौका मिलेगा. दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी. एक और बड़ी बात है कि भुवनेश्वर कुमार को शुरुआती मुकाबलों के लिए थोड़ा रेस्ट दिया गया है. T20 पहले है ना, तो पहले दो मैचेस में सिद्धार्थ कौल आपको दिखेंगे, आपको उमेश यादव दिखेंगे. तो उमेश यादव ये क्या बैकडोर एंट्री मार सकते हैं विश्व कप की टीम के लिए, ये एक सवाल रहेगा. क्योंकि अभी भी आप चौथा फास्ट बॉलर मुझे लगता है चाहिए इस टीम में. खलील नहीं है. अगर उमेश यादव हैं, सिद्धार्थ कौल हैं, कौल तो वनडे में भी हैं शुरुआत के दो मुकाबलों में, क्या इन दो में से एक कोई बाजी मार सकता है? क्या उमेश यादव यहाँ से लीप फ्रॉक कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के चलते और पहुँच सकते हैं वर्ल्ड कप की टीम में? वी शैल फाइंड आउट. ये एक बड़ी फाइंडिंग हमें मिल सकती है. मयंक मारकंडे को बड़ा अच्छा मौका मिला है. तो इनके जो हथकंडे हैं, इनमें बड़े सारे बल्लेबाज पहले फंस चुके हैं, मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा खेले हैं, खेले अच्छा पंजाब के लिए, और इनके लिए बड़ा मौका है. और मौका किसकी जगह मिल रहा है? मौका मिल रहा है कुलदीप यादव की जगह. कुलदीप की जगह देखिए, वो सीमेंटेड है, उसमें कोई समस्या है ही नहीं. तो उनको थोड़ा सा उनका वर्कलोड मैनेज किया जाता है, उनको थोड़ा सा कम दिखाया जाता है. एक और इनकी खास बात है कि अगर मिस्ट्री आपके पास है ना, तो आप यू डोंट वांट टू रियली पुट इट आउट देयर एवरी सिंगल टाइम. तो आप उनको थोड़ा सा संभाल के करना चाहते हैं इस्तेमाल, ताकि मिस्ट्री को आप मेंटेन कर सकें. तो कुलदीप को विश्राम दिया गया और पिक किया गया मयंक मारकंडे को. मुझे उनसे बहुत उम्मीद है. अगर वो खेलते हैं तो दो लेग स्पिनर के साथ भारत उतर सकता है. चहल भी होंगे, कुलदीप भी होंगे, और चहल भी होंगे, मयंक मारकंडे भी होंगे, और लेफ्ट आर्म ऑप्शन के रूप में कृणाल पांड्या. So, I'm really looking forward to it. ये दो T20Is में क्या होने वाला है, कि क्या जो नए चेहरे हैं KL राहुल, क्या उनको मौका मिल सकता है? क्या उमेश यादव हमें कुछ बता सकते हैं? क्या मयंक मारकंडे आगे के लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं? ये तीन चीजें आई विल बी वॉचिंग वेरी क्लोजली.